ये देखिए स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्रोसेसिंग ऑप्शंस में आपको सीरीज में चाहिए या पैरेलल में चाहिए तो आप उसको भी चाहे ले सकते हैं। प्रिसिशन यहाँ पर डबल भी कर सकते हैं। अगर लोड आपका एक पूरा तो टू और इन सिटी ऑप्शन लगा सकते हैं। हमारे में लोड का ऑप्शन कोई नहीं है, हम उसको सीरीज में ही चलाएंगे, पैरेलल में ना चला के नहीं चलाएंगे। कुछ हमारे पास सीरीज में चलाने का है, पैरेलल में नहीं चला सकते। कुछ सिस्टम हमारा पैरेलल में चला अभी नहीं चला सकते, इतना हैवी लोड बियर नहीं कर पाएगा, तो सीरीज में चला के इसे आगे रखेंगे। ये फ्लुएंट ओपन हो रहा है आपका, फ्लुएंट के नए विंडो में आपका ये सॉल्वर सेटअप यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपकी जो मैश है वो डेवलप होकर आएगी। अभी यहाँ पर जोन नेम्स कंसोल में लिख के आ रहा है कि जोन नेम्स जो है आईडी जो भी आपने यहाँ पे दिया है, इनलेट की इंटरफेस वॉल चैनल टॉप वॉल इन सबको यहाँ पर असाइन हो रहा है, इनलेट के ओपन हो रहा है। और मैश डिस्प्ले के लिए भी रेडी हो चुकी है, मैश डिस्प्ले हो चुकी है यहाँ पर आपकी। इसको आप शूट करेंगे तो मैश आपको यहाँ पर दिखेगी किस तरीके से मैश को उन्होंने यहाँ पे शो करा है। ये रोटेट भी आप करके देख सकते हैं, या पूरा आपका चैनल है ये मैश इसकी डेवलप हो चुकी है यहाँ पे। चलिए हम चलते हैं इसके सबसे पहले जनरल पे जाएंगे। जनरल में हमारा खुला हुआ है, स्केल है, चेक करना है अगर आपको मैश हमारी कैसी है तो यहाँ पे चेक के मैंने कर दिया है। मैश चेक हो चुकी है, कोई इसमें इशू नहीं है। क्वालिटी भी अगर आप चेक करना चाहें क्वालिटी देख सकते हैं मैश की, तो यहाँ पे क्वालिटी भी आ जाएगी इस तरीके से। मीडियम क्वालिटी यहाँ पे है तो ऑन डिस्प्ले है। यहाँ पर हमें सॉल्वर जो है वो प्रेशर बेस्ड है, हमारा डेंसिटी बेस्ड नहीं है। वेलोसिटी फॉर्मुलेशन हमारा एब्सोल्यूट है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इसलिए एब्सोल्यूट कर रखा है। स्टेडी स्टेट में हमारा टाइम है, ट्रांजिएंट नहीं है। तो यहाँ पर और ग्रेविटी का टिक कर रखा है क्योंकि हमें ग्रेविटी से कोई इसमें लेना देना नहीं है, ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मॉडल्स मॉडल्स में मल्टी फेस नहीं है हमारा, हमारा सिर्फ सिंगल फेस रहेगा, फेस चेंज नहीं होगा। एनर्जी जो है इसको हमें ऑन करना पड़ेगा, एनर्जी को क्वेश्चन को आपने ऑन कर दिया क्योंकि हीट ट्रांसफर इसमें इंक्लूड है। विस्कोसिटी को हमने लेमिनार में रखा है, अगर आप टर्बुलेंट में लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टर्बुलेंट्स के मॉडल है, या आपको आपके एब्सोल्यूट के ओमेगा के टू के क्वेश्चन के जो आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। हम इसको लेमिनार में ही सॉल्व करेंगे तो इसलिए हमने लेमिनार ही कंसिडर कर रखा है। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें मॉडल्स दिए हुए हैं, वो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम में रेडिएशन इन्वॉल्व है तो रेडिएशन को ओपन करना पड़ेगा। अगर हीट एक्सचेंजर है, स्पेसिफिक स्पीड फेस है, सॉलिडिफिकेशन है, तो वो आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो चैनल में हमने सिर्फ लेमिनार में लिया है तो लेमिनार। देन उसके बाद मटीरियल्स, मटीरियल में देखिए जो सॉल्वर है आपका वो ऑटोमेटिकली एयर और यूरेनियम सेलेक्ट करता है। हमें यहाँ पर क्या लेके आना है, वाटर, क्योंकि हमारा वर्किंग फ्लूइड वाटर और कॉपर है स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो यहाँ पर आप फ्लूइड डेटाबेस पे जाएंगे, करेंगे ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा वाटर सबसे नीचे मिलेगा आपको, H2O लिक्विड। क्लिक करा इस पे, कॉपी करेंगे, क्लोज कर देंगे और चेंज कर देंगे, क्रिएट, तो क्रिएट हो गया वाटर, आपका वाटर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से सॉलिड में हमने क्या लिया है, कॉपर कंसिडर किया है, तो फ्लूइड डेटाबेस में जाएंगे, फ्लूइड को सॉलिड करेंगे और ये यहाँ पर सर कॉपर सेलेक्ट होगा, जो कॉपर की प्रॉपर्टीज आपको गिवन है। यहाँ पर से कॉपी, देन क्लोज, अगेन क्रिएट, देन क्लोज। तो अब अगर आप चाहें तो एयर और एल्युमिनियम को यहाँ पर से डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप एयर पे राइट, एयर सेल करके नीचे से डिलीट करेंगे, देखिए एक एरर आ गई कि डिलीट मटेरियल शुड बी यूज्ड बाय पार्ट फोर, कि यहाँ पर अभी हमने एयर वाटर लिक्विड जनरेट तो किया है मगर जो हमारा मटेरियल है वहाँ पर फ्लूड में अभी भी एयर यूज हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर से डिलीट। इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी आपका डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो भी अभी सब्सट्रेट पे एज अ मटेरियल यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम सेल जोन कंडीशंस पे जाएंगे। सेल जोन कंडीशन में आपका फ्लूड का है, सब्सट्रेट का है। फ्लूड में आप लोगों को क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर देखिए अगर आप आके तो ये एयर सेलेक्ट है, इसको आप वाटर लिक्विड सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। सब्सट्रेट पे जाएंगे तो सब्सट्रेट में एल्यूमिनियम की जगह आप क्या सेलेक्ट करेंगे, कॉपर, और इसको ओके। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, अब बाउंड्री कंडीशंस, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा बाउंड्री कंडीशंस, कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशंस आपको दे रही है। तो देखिए ये चैनल की टॉप वॉल है, क्या है भाई, चैनल की टॉप वॉल,
हमने क्या कंसिडर करा है कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो चैनल की टॉप वॉल पे नहीं हो रही है। टॉप वॉल जो है हमारी क्या है, एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक मतलब हीट ट्रांसफर मोमेंटम, देखिए वॉल है तो स्टेशनरी होगी, ऑब्वियसली मोस्टली कंडीशन में है। थर्मल में यहाँ पर हीट फ्लक्स, एडियाबेटिक है तो हीट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ऑलरेडी है। यहाँ पर मटेरियल लेने वाला एल्यूमिनियम है, बट हमारी मटेरियल है क्या का ये कॉपर का, तो जैसे कॉपर सिलेक्ट फिर हीटेड बेस वॉल। हीटेड बेस वॉल जहाँ पर से आप फ्लक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, नीचे से नीचे की जो वॉल है जहाँ पर फ्लक्स है, तो हीट फ्लक्स वहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट फ्लक्स एल्यूमिनियम की जगह आप कॉपर करेंगे। और हीट फ्लक्स आप कितना दे रहे हैं, कितना, 100 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, 10 to the power 6। ओके, हीट फ्लक्स हो गया। इनलेट, इनलेट पे हमें क्या देना होगा, इनलेट पे देखिए आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब वेलोसिटी जो है वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी जो होगी आप कौन क्या वेलोसिटी देना चाह रहे हैं वो रेनॉल्ड्स नंबर, उस पर डिपेंड करेगी किस रेनॉल्ड्स नंबर पे आप कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं। तो ये पूरा आपका डिपेंड करता है फॉर्मूला जो होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, वीडियो पर उससे कैलकुलेट होगी, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी कैलकुलेट कर रखी है। देखिए तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से वेलोसिटी है, 50, 100, 150, 200, 250, आप जिसे चाहे दे सकते हैं। 150 रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से वेलोसिटी दे रहा है 1.28 कॉपी। ये सब चैनल्स के जो डोमेन्स है, जो डिस्क्रिप्शन है, ये सब के सब यहाँ पर जो ऑलरेडी हाइट और डोमेन विड्थ था, डोमेन विड्थ था, चैनल पूरा एक एक्सेल शीट पे आप बना लीजिए, तो आप ये इजी रहेगा यहाँ से डेटा को पिक करना। तो वेलोसिटी यहाँ से मैंने ले ली और यहाँ पर आके आपको सीधे इसे क्या करना, पेस्ट कर देना। फिर थर्मल मतलब टेम्परेचर इनलेट का कितना है, टेम्परेचर 200 300 है, तो आप इसका टेम्परेचर कितना ले लें, 288 भी ले सकते हैं, 288 कंसिडर किया है इनलेट का टेम्परेचर। फिर इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट के लिए कोई भी आपको इसमें बाउंड्री कंडीशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल वॉल ऑफ चैनल, इंटरनल वॉल्स ऑफ चैनल जो है देखिए वो हीट ट्रांसफर होगी, ये इंटरफेस का है। तो यहाँ पर जो थर्मल की बाउंड्री कंडीशंस हैं वो आप कपल्ड कर देंगे कपलिंग के थ्रू जो हमने कपलिंग, और एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉपर, इंटरनल वॉल्स ऑफ चैनल पे कॉपर। ये शेडो है इंटरनल वॉल्स की, तो ये उसी हिसाब से आप यहाँ पे सेट हो गई होगी कपल्ड, और कॉपर यहाँ पर मटेरियल हो चुका है। आउटलेट का जो हमारी बाउंड्री कंडीशन रहेगी वो प्रेशर की रहेगी, कि आउटलेट जो हमारा हो रहा है किस पे हो रहा है, गॉज प्रेशर 0 है, तो गॉज प्रेशर 0 यानी कि पॉजिटिव प्रेशर का आउटलेट। सबस्ट्रेट टॉप वॉल्स जो है, अगेन सबस्ट्रेट टॉप वॉल्स भी हमारी क्या है, हीट फ्लक्स उतना भी 0 है, तो मटेरियल रहेगी आपके प्रॉपर, हीट फ्लक्स 0, एडियाबेटिक। सिमेट्री की बाउंड्री कंडीशंस आपको लेने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक। तो अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो मटेरियल्स पे अगर फिर से जाके एक बार आप, अब यहाँ पर से आप एयर को डिलीट कर सकते हैं, एयर डिलीट होगी और ऐसे एलिमिनेट को भी आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूज में नहीं। फिर रेफरेंस वैल्यूज, रेफरेंस वैल्यूज हमें कहाँ से कैलकुलेट करना है, मैं इनलेट से कैलकुलेट करना है, तो ये इनलेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एरिया, डेंसिटी, सब चीज़ें हो गई इसकी, रेफरेंस हमारा पार्ट फ्लूइड हो गया, फ्लूइड का मैं इनलेट लेना है आगे। अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन के मेथड्स पे। सोल्यूशन में क्या क्या है आपका, सोल्यूशन में सबसे पहले तो मेथड्स, हम इसकी आप कोई भी लगा सकते हैं, सिंपल पीजो कपल्ड या सिंपलेक, आप अपने प्रेशर वेलोसिटी कपलिंग की जो स्कीम है आप इसकी अपने हिसाब से लगाएं। हम सिंपल लगाते हैं, लीस्ट स्क्वायर सेल बेस का ग्रेडियंट रखेंगे, प्रेशर की इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की रहेगी, मोमेंटम भी सेकंड ऑर्डर, एनर्जी भी सेकंड ऑर्डर का रहेगा। देन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स हमारे 0.3 हमने प्रेशर का रखा है, डेंसिटी 1 है, बॉडी फोर्स मोमेंटम 0.7, सबको हम सब ऐसे ही छोड़ देंगे। अब डेफिनेशंस को क्रिएट करें, डेफिनेशंस को क्रिएट करने के लिए क्या है, जो जो चीज़ें आपको करनी है उनकी डेफिनेशन आप बना लो, फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम नसल नंबर अपना कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर आप नसल नंबर को इसको नेम दे दो NU। कहाँ पे नसेल्ट नंबर कैलकुलेट करना है हमें, इंटरनल वॉल्स ऑफ चैनल पे नसेल्ट नंबर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया रिपोर्ट प्लॉट प्लेट टू कंसोल, फिर
फील्ड वेरिएबल यहाँ पे चेंज कर देंगे वॉल फ्लक्सेस, और ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सरफेस द सेल्टम। फिर हम चाह रहे हैं कि हमारा क्या कैलकुलेट हो जाए, आपका प्रेशर इनलेट पे, तो आप इसको नाम दे दें पी इन प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर कौन से सरफेस पे, इनलेट पे। अब अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर इंटरनल वॉल ऑफ चैनल्स का, तो यहाँ पर से आप टेम्परेचर सेलेक्ट करें, स्टैटिक टेम्परेचर और इंटरनल वॉल्स ऑफ चैनल, ये तीन आउटपुट हम यहाँ से चाह रहे हैं निकालना। तो ये तीन आउटपुट अब आप फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो चुकी है। मॉनिटर्स पे जाके क्या करना है, रेसिडुअल्स जो मेन चीज़ है रेसिडुअल्स सेलेक्ट करना है। ये चार जो आपकी मेन इक्वेशंस हैं, मोमेंटम इक्वेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशंस, इनके रेसिडुअल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसके रेसिडुअल्स पढ़ा रहे हैं, 10^-5 और एनर्जी के -6 रखे गए। ओके, अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन को इनिशियलाइज करेंगे हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन पे, सॉल्यूशन को इनिशियलाइज करेंगे, सॉल्यूशन आपका इनिशियलाइज हो गया है। इनिशियलाइजेशन सॉल्यूशन का आपका डन हो गया है, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इटरेशन दे सकते हैं, जितने इटरेशन आप देना चाहें, 250 इटरेशन देते हैं और कैलकुलेट कर, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन देखिए स्टार्ट हो गई। देखिए कि कब के इटरेशंस बढ़ रहा है और ये कैलकुलेशंस में आपका नीचे कंसोल पे कैलकुलेशंस दिखा रहे हैं, और ऊपर जो है आपका क्या है, ग्राफ दिखा रहे हैं। ये ग्राफ है डिफरेंट डिफरेंट जो आपने प्लॉट करे थे, इसको अगर आप रेसिडुअल्स की ग्राफ देखना चाहें तो रेसिडुअल्स पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए आपके रेसिडुअल्स जो है वो किस तरीके से ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके का रेसिडुअल्स ही आपका पीछे की तरफ जा रहा है। 250 इटरेशंस दिए हैं, तो 250 इटरेशंस तक हमारी ये कैलकुलेशन चलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा 250 इटरेशंस तक पहुंचने में, थोड़ा सा वेट करते हैं और 250 इटरेशंस तक इसे पहुंचने में थोड़ा सा इसे टाइम देते हैं।